नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 72 लाख के पार पहुंच गया है। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें 72,37,082 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 63,520 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 87% यानी 62,98,695 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 73,903 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। वहीं 11.69% एक्टिव केस हैं, मतलब ऐसे मरीज जिनका अभी इलाज चल रहा है, ये या तो अस्पताल में भर्ती हैं या घर में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। सबसे ज्यादा 25% एक्टिव केस महाराष्ट्र, 13% कर्नाटक और 11% केरल में है। संक्रमण के चलते अब तक 110,617 लोग जान गंवा चुके हैं। 723 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा मरीज कोमार्बिड थे, मतलब ऐसे मरीज जिन्हें पहले से ही कैंसर, शुगर, दिल या सांस जैसी अन्य गंभीर बीमारियां थी। डेथ रेट 1.53% है। इनमें 17.9% मरीज कोमार्बिड थे। वहीं देश के लिए एक अच्छी खबर है, कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उम्मीद है कि जैसे ही नया साल शुरू होगा देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, वह भी एक से ज्यादा सोर्स के जरिए। देश भर में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जुलाई 2021 तक हम देश में वैक्सीन के 40 से 50 करोड़ डोज मुहैया कराकर देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे सकेंगे। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।